नमस्कार। आज हम बनाएंगे चावल के आटे की कुरकुरी पापड़ी। ये मैंने लिया एक पतीला, उसमें मैंने एक कटोरी पानी डाल दिया है। अब मैं इस पानी के में डालूंगी हाफ चम्मच जीरा, और जीरा डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के घी। डाल सकते हो या आप कोई भी ऑयल डाल सकते हो इसमें। और अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक, और इन दोनों चीज तीनों चीजों को अब हम बॉयल होने देंगे। जब ये पानी उबल जाएगा फिर इसमें हम आटा डालेंगे। देखिए मेरा पानी उबलने लग गया है। जिस कटोरी से मैंने पानी का नाप लिया था उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है और इसमें मैंने ये डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम कर देंगे हम बंद, और इसे बंद कर देंगे। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया। इसमें मैंने डाल दी है लाल मिर्च कुटी हुई, और इसे हाथों से मैं अच्छे से मैश करके इसका डो बना लेंगे हम अच्छा सा मसल के। इसका डो अच्छे से बन के तैयार है। अब हम लोई बना के इसकी और चकले पे इसकी पूड़िया बनाएंगे बेल के। इसको हल्का सा आप हाथों पे भी ऑयल लगा सकते हैं ताकि बेलने में आसानी रहे ये। और इसको ऐसे धीरे धीरे पतली पतली हमने पूड़िया बनानी है इसकी। ये देखिए मैंने बेल दिया है। अब मैं एक छोटी सी कटोरी की हेल्प से इसकी गोल गोल सी वो काट लूंगी। देखिए इस तरह से हम अपनी सारी पूड़ियां बना लें। हमें ये पूड़ियां ज्यादा मोटी नहीं बनानी है, पतली बनानी है, तभी ये ज्यादा क्रिस्पी बनेंगी। अगर ज्यादा मोटी बना दी तो थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है इनमें। इस तरह से ये देखिए मैंने कटोरी की हेल्प से ऐसे बेल के और एक ही साइज की सारी पूड़ियां बना ली हैं। ये देखिए सारी पपड़ियां बन के तैयार हो गई। मैंने सारी बेल ली हैं। अब मैंने गैस पे तेल गरम किया है। इसमें मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए हमारा, और इसे एक एक करके डालते जाएंगे हम और इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। मीडियम फ्लेम पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है। और इसी तरह से मैं अपनी बाकी की सारी पूड़ियां एक ये पपड़ियां एक एक करके तल लूंगी, और इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही पलना है तलना है। और एक साइड से जब ये सिक जाएं तभी इन्हें धीरे धीरे पलट देना है। ये देखिए मैंने इनको पलट दिया है, कितना अच्छा कलर आया हुआ है, कि बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनती हैं ये। इस तरह सारी तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनती हैं। आप इन्हें चाय वगैरह के साथ ले सकते हैं, ये बहुत ही टेस्ट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।